रामगढ़ के इस ऐतिहासिक इंटर कॉलेज पीपी चौधरी इंटर कॉलेज के इस महाविद्यालय के परिसर में रामगढ़ के 2023 के इस उपचुनाव के परिप्रेक्ष्य में आहूत राष्ट्रीय पार्टी के जिला प्रमुख शपथ ग्रहण समारोह में आए हुए सभी जिला प्रमुख नेतृत्वकर्ताओं का मैं इस मंच से सर्वप्रथम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सभी को जोहार करते हैं। मैं स्वागत करता हूं आज इस मंच में रामगढ़ के विकास पुरुष हमारे पार्टी के नेता आदरणीय गिरिडीह के लोकप्रिय सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी जी का हम स्वागत करते हैं। इस कार्यक्रम के संचालक आदरणीय डॉक्टर लंबोदर माथुर जी का मंच में हमारे साथ हमारे पूर्व मंत्री और पार्टी के वरीय नेता आदरणीय उमाकांत रजक जी का पार्टी के वरीय नेता और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी आदरणीय रामचंद्र सही जी का पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता डॉक्टर देवेंद्र भगत जी का और इनके साथ साथ पार्टी के सभी केंद्रीय नेता जो इस उपचुनाव में अपना दायित्व निभा रहे हैं उन सभी का और इनके साथ साथ हमारी इस उपचुनाव के हमारी गठबंधन की नेत्री और हमारी कैंडिडेट आदरणीय सुनीता चौधरी जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं अभिनंदन करता हूं अपने सभी ब्लॉक प्रभारियों का, पंचायत प्रभारियों का और पंचायत कमेटी के सारे सदस्यों का जिन लोगों ने रात दिन मेहनत करके पार्टी के टारगेट को पूरा करने का काम किया उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। पार्टी में इस शपथ ग्रहण समारोह में आए हुए मीडिया के इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया प्रिंट मीडिया के सभी साथियों का भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ये मूलतः शुद्ध रूप से पार्टी का अंतरिम कार्यक्रम है, निजी कार्यक्रम है। पार्टी ने नीचे इकाई तक हर परिवार तक पहुंचने के लिए एक सेवा नेतृत्व कार्यक्रम प्रारंभ किया है और जिसका नेतृत्व पार्टी के पूरे इस विधानसभा के 12,000 महिला पुरुष नेतृत्वकर्ता चुनाव प्रमुख के रूप में काम कर रहे हैं जिन्हें दायित्व दिया गया है। मुझे याद है कि प्रथम दिन जब हम रांची में आपके साथ संवाद किया उसके बाद लगातार संवाद का दौर चला और आज ये काम पूरा हुआ कि लगभग रामगढ़ विधानसभा के सभी 10 परिवार के बीच में हमने एक नेता एक पार्टी का नेतृत्व करता वो महिला हो या पुरुष सुनिश्चित किया है और वो आज यहां पर है। वो सभी लोग यहां पर आए हैं पहुंचे हैं। मैं सबसे पहले हमारा पंचायत प्रभारी के साथ फिर गांव प्रभारी और गांव प्रभारी के बाद सीधे चुनाव प्रमुख के साथ आज सामूहिक रूप से सभी ब्लॉकों का नगर पंचायत क्षेत्र का साथ में मिलकर हम सभी लोग यहां पर एकत्रित हुए हैं। आज सर्वप्रथम हम सभी शपथ ग्रहण करेंगे।
इसलिए मेरा आग्रह होगा, मैं विषय पर प्रकाश डालूंगा। जो लोग चूल्हा प्रमुख कंसेप्ट को नहीं समझते हैं उनके बारे भी चर्चा करेंगे, इस चुनाव के बारे भी चर्चा करेंगे, चुनाव के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन सर्वप्रथम जिसके उद्देश्य के साथ इस कार्यक्रम में हम सब आए, मैं अपने सभी वॉलेंटियर्स जो चुनाव प्रमुख के रूप में काम करेंगे उन सभी से आग्रह करते हैं कि सभी लोग अपने जगह पर खड़े हो जाएं। थोड़ा सामने से जगह रखना आप लोग के लिए असुविधा होगा, इसलिए आप लोग थोड़ा फैल जाओ, पीछे हट जाओ, पीछे हटो, हाथ आगे करने का जगह होना चाहिए, इसलिए आपको जरूरत पड़ेगी। सभी लोग अपना हाथ आगे बढ़ाने का, हाथ सामने रखने का जगह रख लीजिए, जगह बना लीजिए सभी को। आप लोग पीछे हो जाओ, मैं बोल रहा हूं तो समझ रहे हो, ये हमारा कोई रैली नहीं है, थोड़ा पीछे हटो। इसके लिए दिमाग ये रखना, कभी कभी कार्यक्रम को लोग रैली की तरह देखते हैं, ये हमारा कोई पब्लिक रैली नहीं है, ये मैंने शुद्ध रूप से बोला, ये पार्टी के मेरे सबसे प्रमुख कार्यकर्ता चूल्हा प्रमुख के साथ हमारा संकल्प आज है, शपथ ग्रहण समारोह हमारा है, पार्टी के सबसे मूल्यवान कार्यकर्ता के साथ हमारा आज ये संवाद है, संकल्प है। तैयार है सभी को, हो गए तैयार सभी को, मैं ही बोलूंगा तो अपना नाम लेंगे, जैसे मैं ही बोलूंगा मैं सुरेश कुमार माथो, उसी तरह आप अपना नाम लेंगे। स्टेज में बैठे हुए सभी लोग अपने अपने दायित्व में हैं, आप लोग भी अपना हाथ सामने कर लेंगे, सभी को अपना हाथ सामने रख लीजिए, सभी को अपना हाथ सामने रख लीजिए। मैं ही बोलूंगा तो अपना नाम शुरू करें। मैं सुरेश कुमार माथो शपथ लेता हूं या लेती हूं कि मैं आजसू पार्टी के चूल्हा प्रमुख के रूप में पार्टी के द्वारा दिए गए दायित्व का निर्वहन करूंगा या करूंगी। मैं शपथ लेता हूं या लेती हूं कि हमेशा व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर संगठन के नीति सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए रामगढ़ की जनता के सेवा में तत्पर रहूंगा या रहूंगी। जय झारखंड, जय झारखंड, जय रामगढ़। धन्यवाद, बैठ जाइए। आज तुरंत बैठ जाइए, तुरंत बैठ जाइए। आज हम लोगों ने यह शपथ लिया है कि रामगढ़ के जनता की सेवा के लिए हम तत्पर रहेंगे। ये 12,000 से अधिक चूल्हा प्रमुख हम लोगों ने यह तय किया, आपको याद होगा कि पहले दिन ही हमने आपसे कहा था कि पार्टी के पास नेतृत्वकर्ता की कमी नहीं और हम सभी लोग काम को बांट कर करेंगे, और चाहे पार्टी का कोई भी केंद्रीय नेता हो, जिला स्तर का नेता हो, ब्लॉक स्तर का नेता हो, सबको दायित्व तो बराबर हम लेंगे। ये तैयारी पार्टी ने प्रारंभ किया था और आज ये संभव हो पाया। आप खुश हैं ना, बताइए पहले, मेरे गार्डर खुश है कि नहीं, महिला दीदी लोग खुश है ना। ये सभी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है, जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है, काम
करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं। और हम सभी लोगों को, चाहे वो पंचायत, मैंने बोला जिला, बोला वार्ड एरिया, सभी लोग काम हम लोग जिम्मेदारी ले चुके हैं और सबकी जिम्मेदारी 10 परिवार की जिम्मेदारी तय है। हर जिला प्रमुख 10 परिवार का जिम्मेदारी तय किए। चुनाव आते ही राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी को ये जिला प्रमुख का काम जैसे रामगढ़ में आगे बढ़ा समझ में नहीं आया, क्या हो रहा है और क्या करना है। मैं बोलूंगा उनके लिए, लेकिन ये दायित्व तो आपका है। जिला प्रमुख इस बात को समझे कि हमारा काम प्रारंभ हो रहा है, ये एक जिम्मेदारी है, नैतिकता है कि रामगढ़ के हर परिवार के प्रति हमने एक एक कार्यकर्ता को समर्पित किया है। 10 परिवार के पीछे उनके तकलीफ का वाहक, उनकी कमियों का वाहक, राज्य सरकार, केंद्र सरकार की चलने वाली योजनाएं, सीधा लाभ लोगों को मिल नहीं पाता है। आप सभी सहमत हैं, गांव में भी हम लोग जाएंगे या गांव में कोई सरकारी पदाधिकारी नेता, आप जाइए और जाके पूछिए तो आपको पाएंगे कि सरकारी मापदंड को दरकिनार रखते हुए गांव में फैसला होता है। आवास जिसके लिए गांव तरसता है, गरीब तरसता है, एक छत के लिए कमिटमेंट इस बात का है। भारत सरकार ने कहा है कि 2024 तक हर परिवार को छत देंगे, लेकिन इसका निर्णय ग्राम सभा से होना है। ग्राम सभा से निर्णय होगा कि ग्राम सभा के माध्यम से कितना परिवार जिसको आवास की जरूरत है। तो आप देखेंगे कि ये 2011 का सेंसस लेके ये लोग घूमते हैं। 2011 में, आज हम 23वें हैं, 2011 में जो परिवार एक था वो परिवार को जब आप खोजने जाएंगे, इनके हिसाब से रामगढ़ में 2011 के हिसाब से 83,000 परिवार है। लेकिन मैं अभी जब आपसे घर का चूल्हा गिनती कर रहा तो इसकी संख्या 1,00,000 पार, 1,00,000 से ज्यादा परिवार हो चुका है, 1,00,000 से ज्यादा परिवार आ चुका है। परिवार कैसे बड़ा भाई, परिवार मुखिया एक, अब उनके बेटे बड़े हो गए, विवाह हो गया, शादी ब्याह हो गया, उसका चूल्हा अलग जलता है। सरकार इसको 12-13 साल में कभी खंगाल के नहीं देखा। हम व्यक्तिगत रूप से घर में गए और हमारा चूल्हा प्रमुख का हाथ हम लोगों ने बदल दिया। जो अलग चूल्हा जलाता है वो एक परिवार है, उसको भी राशन का जरूरत है, उसको भी छत का जरूरत है कि नहीं है। अभी तक बाप माँ के नाम पर छत बना, लेकिन उसके 3 बेटे बड़े हो गए, उसका परिवार आया, उसका भी बच्चा आ गया है, लेकिन उसको अलग से नहीं मानते हैं। अब बाबा चावल उठाएंगे तो पूरा परिवार खाएगा, ऐसा ही कार्ड में डिक्लेयर किया हुआ है। कार्ड भी इसी रूप से है कि माँ बाप के नाम पर राशन कार्ड है, बेटा आ गया, बहू आ गई, ये लोग बढ़ गए, लेकिन नए राशन कार्ड उससे अलग नहीं हुआ, जुड़ नहीं पाया है, नहीं जुड़ा है ना, जुड़ा ही नहीं है। तो बेसिक रूप से ये चीजें गांव के अंदर में सबसे बड़ा कला बनकर है, कभी भी नीचे उतर के देखना इनका काम नहीं रहा। हम जिला प्रमुख के माध्यम से हर परिवार को अलग अलग चिन्हित करके उन परिवार तक सरकारी योजना कैसे पहुंचे, इसका संकल्प पहले लेना चाहते हैं। वोट हमारा सेक्रेटरी है, उनको वोट चाहिए, उनको पहला काम उसको वोट है, उसका वोट पहला काम है। उससे पहले आवश्यकता को पहले हमने सामने रख लिया। हर परिवार का डाटा पास रहेगा, पार्टी के पास रहेगा। हमारी जब प्रतिनिधि जीत के सामने जाएंगे तो सुनीता चौधरी को गांव के अंदर लोगों से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खड़ा होकर बोल देंगे कि सोमरा उराव का घर नहीं मिला, ये वो खुल के बोलेंगे और उनके पास इसका डाटा रहेगा। वो देखेंगे घर जाने के बाद कि आशा देवी को उनका राशन कार्ड नहीं मिला, इसका आंकड़ा पहले हमारे पास रहेगा और उसी आंकड़ा का नेतृत्व तो उसे भरपाई के लिए नेता हमारा चूल्हा प्रमुख के साथ मिलकर काम करेगा। यह तैयारी आपका काम इलेक्शन नहीं, आपका काम 10 परिवार के मतदाताओं को के लिए काम नहीं, आपका संकल्प आज हुआ कि उस 10 परिवार के अभाव का नेतृत्व करेंगे और आप सुनीता चौधरी, चंद्र प्रकाश चौधरी और सुरेश महतो बनकर उस परिवार का सेवा करेंगे। ये तैयारी है, ये संकल्प पहला है हमारा कि भविष्य के लिए आप उसकी तैयारी करेंगे।
वहां की आवश्यकता का नेतृत्व करेंगे, उसकी भरपाई करेंगे। और भरपाई करने का नेतृत्व के लिए उसे नेता खोजने के लिए अब बरलंगा से उठकर भोला आने की जरूरत नहीं है, अब बुलनी से उठकर चितरपुर जाने की जरूरत नहीं है, चितरपुर से उठकर हाथगढ़ जाने की जरूरत नहीं है, रामगढ़ से नेता खोजने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हर 10 घर में हमने एक नेता दे दिया जो उसकी सेवा के लिए तैयार रहे। और हमारा संबंध ये कांग्रेस के समझ से परे होगा। कांग्रेस शासन किया है, उसे राशन का चिंता नहीं है, वो कभी राशन का गरीब का चिंता नहीं किया, शासन किया है। और ये चरित्र 70 साल तक चरित्र थे लोगों के बीच में, उनसे सेवा नहीं हो सकता है। वो सेवा के लिए नहीं आए, वो सेवा के लिए नेतृत्व रामगढ़ का नहीं लिया, वो खुद के लिए नेतृत्व लिए, वो खुद की सेवा करा रहे हैं और खुद को तैयार कर रहे हैं। वो एकल के लिए आज सुपाटी पूरा 1 लाख परिवार की सेवा का संकल्प के लिए यहां पर आया है। 1 लाख परिवार वो अपना सोच सकता है, अपने वक्त से बाहर लोग सोच ही नहीं सकते। हमारी तैयारी उस रूप से है कि संगठन के अंदर में अब सब लोग 12,000 लीडर मेरे बराबर के हैं, और ये 12,000 लीडर को अभी मात्र परिचय पत्र दिए हैं। इसके बाद आपका एक आई कार्ड जारी होगा पार्टी की ओर से, सभी को ये दायित्व देने का। मैंने दिया आपको ये दायित्व, पार्टी के हेड ने आपको ये दायित्व दिया, ये काम सौंपा है आपको। और ये आने वाले समय तक के लिए, ये काम खत्म नहीं होता, इलेक्शन के बाद शुरू होता है। आप वहां का सारा जनों का नेतृत्व आप करेंगे, और आपको अधिकार में बोला कि इस मंच में बैठे लोगों से ज्यादा मेरे लिए आप महत्वपूर्ण है, आज भी है और आगे भी रहेंगे। हो सकता है कि पार्टी के किसी चेयरमैन का, पार्टी के किसी विधायक का चंद्रप्रकाश चौधरी सुदेश महतो जी के यहाँ पर मिलना है, अगर सुनीता चौधरी जी के यहाँ पर मिलना है, आपका कोई काम आपके गांव का है, आप आके केवल आपका वहां आकर ये जानकारी देंगे कि मैं चूल्हा पर हूँ, दूलबी के फल्ला गांव से आई हूँ, तो विधायक से बाद में मिलेंगे, चूल्हा प्रमुख से सुदेश महतो पहले मिलेगा। यह अधिकार आपका क्योंकि सबसे बड़ा सेवक आप है। मंच सस्ता है लीडर का, मंच से आह्वान होता है, लेकिन सबसे ज्यादा काम बूथ में बैठा कार्यकर्ता करता है कि नहीं करता है। विजन कौन देता है? बूथ में बैठा कार्यकर्ता देगा। और इस 10 परिवार का सेवा का दायित्व तो आपने लिया है, तो सबसे पहले सुनने का दायित्व तो भी आपको गया हुआ है। हम आपको सुनेंगे सबसे पहले, ये अधिकार आपको इसी मंच से, खुला मंच से आपको देखे जाते हैं। जाइए रामगढ़ की सेवा करिए। ये 3 साल तक रामगढ़ नेतृत्व विहीन हो गया, रामगढ़ ये समझ नहीं पाते कि अक्सू पार्टी का रिश्ता रामगढ़ के साथ। मुझे जैसे ही ये उपचुनाव का निर्णय हुआ, मुझे बोला कि आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, मैंने बोला कि मैं अपने परिवार तक पहुंचने का ये माध्यम मेरा हुआ कि फिर से उस परिवार का सेवा का अवसर मांगने रामगढ़ हम जाएंगे, हाथ जोड़कर सेवा को फिर से तैयार करेंगे और फिर से परिवार का सेवा करेंगे। ये तैयारी हमारा, यही प्रतिक्रिया हमारा कि फिर से काम करने का मौका मिलेगा, फिर से रामगढ़ को सजाने का मौका मिलेगा और रामगढ़ फिर से सजेगा। आप सभी लोग अभी रविंद्र बाबू चंद्र प्रकाश जी के नेतृत्व से जो हुआ, नेतृत्व से रामगढ़ का परिचय बदला है। हमने दिया है साहब, हमने रामगढ़ को दिया है, आपने 3 साल में रामगढ़ को ले लिया, इसका सर का मुकुट छीन लिया आपने, छीना कि नहीं बताइए। ये मुकुट चंद्र प्रकाश चौधरी जी के नेतृत्व में विधायक के रूप में यहाँ प्राप्त हुआ कि सबसे ज्यादा विकास करने वाला, कई विकास के मंडलों पर सर्वश्रेष्ठ बनाने का नेतृत्व चंद्र प्रकाश चौधरी ने किया, वो मुकुट खुलवा दिया आपने रामगढ़ के साथ, ही हम आपने किया, यही नेतृत्व का परिणाम आप दिए। इनसे लोगों की सेवा नहीं होती है, इनसे लोगों की सेवा हो नहीं सकती। हमने कहा कि मेरा रिश्ता रामगढ़ के साथ वोट का नहीं, परिवार का रिश्ता है। परिवार का रिश्ता है कि नहीं हमारा बताइए, परिवार का रिश्ता है कि नहीं हमको बताइए। एक गरीब परिवार अपना आजीविका जो चलाता है, उसके लिए उसके बच्चे की पढ़ाई, उसका हेल्थ सिस्टम, उसका शादी ब्याह देग में, वो परिवार सबसे पहले किसको खोजता है? सबसे पहले अभाव में अपना परिवार को खोजता है।
सेवा कि अगर मेरा बेटा का कहीं पर अच्छा पढ़ाई करना है तो सबसे पहले सेवा हम लोग मानते हैं कि चलो अपना भैया घर अपना रिश्तेदार मामा फूफू से बोलते हैं इसको पढ़ाने के लिए मुझे मदद चाहिए। हमारा शादी भी अभी बड़ी हैरा जितना भी खेती तक का स्थिति हुई है कि हम लोग दे के चलाते हैं। ये परंपरा रहा है कि जो गरीब परिवार अपना शादी ब्याह नहीं कर सकता तो 20 घर 20 परिवार मिलकर कहीं ना कहीं हम लोग वहां पर आते हैं, उनके घर में चावल का कमी होता है। क्या हो गया भाई? अरे पानी आया तो उधर देख रहे हो, पानी पिलाने का समय आया है, इधर देखो पानी पिलाओगे? पिलाओगे कि नहीं? कांग्रेसियों को पानी पिलाओगे कि नहीं? सेवा करेंगे भाई, उनको भी पानी पिलाएंगे। इसका मुहावरा का दूसरा अर्थ में न जाना, हाँ कांग्रेसी भी घर में यहाँ में आएंगे तो हम लोग पानी पिलाएंगे। पिलाएंगे कि नहीं पिलाएंगे? धूप लग रहा है क्या? धूप लग रहा है क्या? मैंने ऐसे गटर ही पैदा नहीं किया है, मैंने गटर ऐसा नहीं पैदा किया जो ये 30-35 डिग्री के लिए परेशान हो। परेशान है क्या? एक पैर पर आने वाला 16 दिन, और 16 दिन खाली नहीं, ये 384 घंटा के लिए तैयार है कि नहीं? 384 घंटा मैंने 24 किया, मैंने 16 दिन आने वाला 16 दिन 384 घंटा 24 पूरा एक दिन का 24 घंटा को आपके लिए समर्पित किया, आपको आपके लिए तैयार किया 384 घंटा के लिए। हम लोग के लिए नींद नहीं भूख नहीं, तैयार है ना? नींद नहीं भूख नहीं, ये दोनों को तैयार। कोई ये बात कहीं किसी कैडर से ये चूल्हा प्रमुख और ये नेता नहीं बोलेंगे कि मुझे भूख लग रहा है, कर सकते हैं कि नहीं? अपना जुगाड़ के हिसाब से जो मिलेगा उसी को उठाकर रामगढ़ विजय अभियान का सेवा करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? तैयार है ना आप लोग? नींद भूख के लिए शेष समय है, हम लोग कर लेंगे। लेकिन मैदान में गया हुआ सैनिक भूख नींद की चिंता न करेगा, सेवा करेगा। ये 12,000 लोग जो लोग चूल्हा प्रमुख बने हैं, चूल्हा तैयार हो गया है, तैयार हो गया कि नहीं? ये केला बगान सज चुका है कि नहीं? सजा है कि नहीं? बोलो, रामगढ़ का कोना कोना बोलने लगा है, बोलने लगा है कि नहीं? हम चूल्हा तक पहुंच गए साहब, अभी ये लोग चौक तक नहीं पहुंचे हैं। पहुंचे हैं क्या? नहीं पहुंचे हैं, ना पहुंचने देंगे। अब इनके पास लोगों का प्यार सने नहीं है, अब शासन के बल पर जाएंगे। अब ये चूल्हा प्रमुख के बारे में भी बता रहे थे, चूल्हा प्रमुख हमारा सर्वे है, चूल्हा परिवार सर्वे है, ये अधिकार है मुझे। एक राजनीतिक दल के नाते किस परिवार का क्या हैसियत है, क्या कमी रह गया, भारत सरकार राज्य सरकार की योजनाओं का जानने का अधिकार और डाटा रखने का अधिकार है ताकि हम उसकी सेवा कर सके। अब पता नहीं शासन का लोग बिना पढ़े लिखे सीधे आवेदन पर नोटिस पार्टी को थमा दिए, पार्टी को नोटिस कर दिए कि इसका जवाब देना होगा। मैं चुनाव आयोग के रूप में काम कर रहे अधिकारियों से कहना चाहता हूं कि सबसे पहले पढ़े, आचार संहिता किस पर बनता है नहीं बनता है इसको भी देखना है, हम ऑफिशियली जवाब देंगे। लेकिन इस तरह से अगर ऑफिशियली चिट्ठी आने लगेगा तो कहीं ना कहीं जिस बात का डर था कि शासन बनकर अगर आप काम करेंगे तो कहीं ना कहीं आप पर भी उंगली खड़ा होगा, इसके लिए भी सतर्क करने की जरूरत है। मैंने देखा था, अभी कोई बता रहा था मेरा कार्यकर्ता कि स्थिति ये है और सच्चाई ये है, स्वीकार करो शासन का लोग कि बोलो प्रधानमंत्री आवास में पैसा नहीं ले रहा है क्या? बोलो लेता है कि नहीं? बताओ, जाओ कहीं किसी से पूछो, अराजकता है ये। सरकार की योजना चलने वाली योजनाओं पर सीधे तौर पर सबसे नीचे इकाई पे बिना पैसा का कोई भी काम नहीं हो रहा है। अटल कार्यालय में बिना पैसा का काम हो रहा है क्या? अंचल कार्यालय में बिना पैसा का काम हो रहा है क्या? अभी मोटेशन का काम चल रहा है, इसका जमीन उस पर, उसका जमीन इस पर, आपका जमीन जीरो, ये करके रख दिया और खेला चल रहा है। खेला चल रहा है कि नहीं? आपका जमींदार है जीरो कर दिया, जीरो करने के बाद कर्मचारी आपके पास जाता है और बोलने लगा है कि इतना पैसा देने से 100 डिसमिल चढ़ा देंगे आपका, आपका जमीन, आप मालिक,
लेकिन कौन मोर्चा रही और वहां का सर्कल अफसर मिलकर ये पूरा गणित तैयार किया है, ये दोनों तैयार नहीं किया, ये उधर कैबिनेट से लेकर यहां तक का गणित बना हुआ है कि कैसे बालू से तेल निकालेंगे, ये सरकार सिखा रही है लोगों को और तंग कर रही है किसानों को, ये तैयारी हो रही है। तंग हो रहा है कि नहीं बताइए, हो रहा है कि नहीं? तो ये बना हुआ है, ये स्थिति आपकी है, आपकी अराजकता की स्थिति गांव में फूट फूट कर लोग बोल रहे हैं। आपने संकल्प शपथ दिलाया था कि युवाओं को नौकरी देंगे, हर साल 5-15 लाख नौकरी के साथ आज हेमंत जी को खड़ा होना चाहिए था और आना चाहिए था। 557 नौकरी अभी तक दी है, कितना कितना भाई? 503 साल में सरकारी नौकरी 557 में बांट पाए हैं और जोहार यात्रा में घूम रहे हैं भाई साहब। जोहार यात्रा 557 नौकरी दी है, 15 लाख की जगह 557 नौकरी दिए। सारे सरकारी सरकारी लोगों से कमिटमेंट था कि समान काम का समान वेतन, सैया लोग को समान वेतन मिल रहा है क्या? मिल रहा है सैया लोग को? सरिता दीदी लोग को मिल रहा है क्या? जैसलमेर की दीदी को मिल रहा है क्या? स्वास्थ्य सैया लोग को मिल रहा है क्या? 3 साल से पारा टीचर को ठगने का काम चल रहा है, 12 दिन से पारा टीचर इतना संघर्ष किया, अभी तक उसका मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं लोग, 3 साल तक मूल्यांकन नहीं चल रहा है। बताओ स्थिति क्या है गांव और हर की स्थिति क्या है भाई साहब? हेमंत बाबू आप नहीं समझेंगे, क्योंकि बड़े घर में पैदा हुआ, संघर्ष आप जानेंगे नहीं, जीवन में संघर्ष नहीं किया। आंदोलन की बात झारखंड मुक्ति मोर्चा करती है, बोलो आंदोलनकारी मोराबादी में खड़ा होकर अपना हक और अधिकार मांग रहा है, गोला में खड़ा होकर अपना हक अधिकार पर विचार कर रहा है कि नहीं कर रहा है? वो क्या चाहिए? सम्मान चाहिए, जो लड़ा वो सम्मान चाहिए, पैसा का भूखा नहीं है, वो अपना परिचय चाहता है कि मैं राज्य के लिए लड़ा, मुझे परिचय मिलना चाहिए, इस बात के लिए वो संघर्ष कर रहा है, इस बात के लिए वो अपनी बात रखने के लिए अब तक जाता है। क्या दिक्कत है? हमारा लोग पानी पिलाने के लिए बहुत तैयार है, क्या कोई बात नहीं? आज ये कांग्रेस पार्टी बताओ किसान गांव का हालत क्या है, भी बता रहे थे चंद्रप्रकाश चौधरी जी। पहले तो हुआ राजीव गांधी कनेक्शन के नाम पर दे दिया, पहले हर घर विद्युत पहुंचाएंगे, बिजली पहुंचाएंगे। अब जाइए आप, क्या हो रहा है कि मीटर चेक करो, मीटर काटो और 7,000 से 9,000 जो जहां सक रहा है 9,000 रुपया देके नया कनेक्शन लो, ये चल रहा है कि नहीं? नया कनेक्शन लेने के लिए दबाव बढ़ा है, गांव का गांव पूरा कनेक्शन काटा जा रहा है। वो गरीब परिवार से बोल रहा है कि 7 से 9 हजार कहा जैसा एक दे सक रहा है उस तरह पैसा मांगा जा रहा है, ये असलियत है। छात्र नौजवान ये बैकवर्ड पर बात कर रहे थे, सबसे पहले पूरे राज्य में ये पहली बार पहली विजय हमारे सांसद महोदय और पार्टी की ओर से, जो हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, पहली बार ओबीसी को आरक्षण पर ये सुनिश्चित हो पाया और कोर्ट का गाइडलाइन को अभी राज्य सरकार मानने के लिए हमने पाठ किया। पंचायत चुनाव हुआ, पंचायत चुनाव में ओबीसी के लिए आरक्षण था, ये आरक्षण को समाप्त किया और समाप्त करने के बाद ये चुनाव कराया। अभी नगर चुनाव भी उसी रूप से कराना चाहते थे, फिर से कोर्ट गए और कोर्ट से आदेश आया है। चंद्रप्रकाश चौधरी और आजसू पार्टी को इस पहल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत आभार करते हैं। ये पूरे राज्य के लिए हुआ। अभी बोल रहे थे खतियान लागू करेंगे, 1932 के आधार पर खतियान लागू करेंगे। हम बोले हम तैयार हैं कि हम खतियान के परिसर और खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति बने। 3 साल लगा, पहले भाषण दे रहा था कि 6 महीना के अंदर कर देता, 3 साल बाद पॉलिटिकल दबाव, और किसका दबाव था? ABCD नहीं पढ़ रहे हैं आजकल। अभी सबके दबाव में निर्णय लिया और निर्णय कैसा लेते हैं ये लोग, ये पूरा पढ़ो, इस खंडन को पढ़ो। कभी भी सोरेन फैमिली नहीं चाहता था अलग राज्य बने, ये सच्चाई है, उसको पढ़िए। वो कभी भी नहीं चाहता, वो चाहता था विषय बना रहे और मेरा राजनीति भी चलता रहे, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा चाहता था। वो कभी भी निर्णायक लड़ाई नहीं चाहता, वो चाहता था जब तक ये लड़ाई जिंदा रहेगा
कड़ी राजनीति चलेगी, इसीलिए वो लड़ाई को जिंदा रखना चाह रहे थे। उस समय आजसू पार्टी का संघर्ष भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन प्रधानमंत्री गृह मंत्री का ये निर्णय के माध्यम से यह संभव हो पाया कि झारखंड प्रदेश का राजनीतिक निर्णय लेना पड़ा और प्रदेश प्राप्त हुआ है। ये जो कहते हैं इनके बल पर नहीं, इनके बल पर रहता तो 93 में भी हो सकता था कि नहीं, 93 में भी हो सकता था कि नहीं, हो सकता था। उस समय ये जरूरी समझा, पैसा जरूरी समझा, ये पैसा लेना जरूरी समझे, राज जरूरी इनके लिए नहीं था, इन्होंने नहीं लिया। अब इधर ये 32 भी इनके लिए जरूरी नहीं है, ये राज्य के नौजवानों का रोजगार इनके लिए जरूरी नहीं है, ये सारे रोजगारों को इस बहाने से रोक दिया, भारत सरकार के 9 शेड्यूल में जाने से पहले इस प्रदेश में लागू करते और देखते कि कौन इसको रोकता है। तो लगता है कि हाल योजना नीति के लिए ये वास्तव में ईमानदारी से पहल करने वाला है। तो कम से कम प्रक्रिया शुरू हो जाती, सारी प्रक्रिया। आप गरीब बच्चों की तैयारी को नहीं समझते, कितना कठिन परिश्रम से एक बच्चा एक नौकरी के लिए तैयारी करता है, इंग्लैंड का तैयारी करता है, अब उसका एज आगे बढ़ रहा है, नए लोगों का एज जा रहा है, अभी दोनों के बीच में आप क्या करेंगे, कैसे रोजगार आएगा? गांव के स्कूल में टीचर नहीं, पारा टीचर के भरोसे स्कूल चल रहा है, वहां पर पढ़ाई का आप देख लो, खिचड़ी स्कूल बना के रख दिया 1-2-8, जहां खिचड़ी स्कूल हमारा चलता है, जहां खिचड़ी वितरण होता है, 1 या 2 टीचर से चल रहा है। प्राइवेट स्कूल जरूर संभव है, वहां टीचर है, लेकिन अब गवर्नमेंट स्कूल में टीचर नहीं, गांव का बच्चा मैथ इंग्लिश साइंस की पढ़ाई नहीं के बराबर कर पा रहा है। ये नींव को कमजोर करने की तैयारी है। हेल्थ देखो, हेल्थ पर क्या हालत है, स्वास्थ्य का क्या हालत है, इन लोगों ने बेसिक डेवलपमेंट के मानकों को पीछे ढकल के रख दिया है। ये डेवलपमेंट के 17 सूत्र पर कभी वक्त नहीं करते। झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुंह से विकास का बात संभव है क्या? बोल सकता है क्या? बोल सकता है क्या? पार्लियामेंट मेंबर उस 70-80 के दशक से ही लोग पार्लियामेंट मेंबर बने, बिहार सरकार के साथ लगातार रहे हैं, भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री से बाप बेटा मिलके मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी डेवलपमेंट का कोई मानक कहीं पर स्थापित किए हैं? अपेक्षा तो गोला का रामगढ़ का किया है, ये 4 जगह रह सकते हैं, CNT इनके लिए कोई मायने नहीं रह सकता है, ये दुमका भी हो सकते हैं, ये धनबाद भी हो सकते हैं, ये बोकारो भी हो सकते हैं, रामगढ़ भी निवास कर सकते हैं और रांची भी कर सकते हैं। CNT की इनके लिए जेब का विषय है, लेकिन एक मगरा मुंडा के लिए CNT बड़ा विषय है। CNT अगर मगरा मुंडा यहाँ से जाकर अगर रांची में जमीन खरीदने की कोशिश करेगा तो उसके लिए एक्ट है, हेमंत बाबू के लिए कहीं पर एक्ट नहीं, वो एक्ट से ऊपर है, कानून से ऊपर ये परिवार है, उसके लिए कानून बिल्कुल सही नहीं है। सच्चाई है कि नहीं बताइए, है कि नहीं सच्चाई? अब ये अभी कहें कि मैं आरक्षण बढ़ा दूंगा, आरक्षण बढ़ाने के लिए आरक्षण के तरीके और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन पर आना पड़ेगा। 27% करने की ईमानदारी रहती, ट्राइबल का शेड्यूल कास्ट का अगर 28 करने का और 14 करने में ईमानदार रहते तो सबसे पहले अपने राज्य के अंदर में शैक्षणिक सामाजिक मूल्यांकन करते, अगर इनका मूल्यांकन करके जाते तो अभी बोल रहे थे कहीं पर कर्नाटक का माप है, हमारा नहीं हुआ, कर्नाटक ने मूल्यांकन किया, ट्रिपल टच किया और करने के बाद वो प्रस्ताव लेके गए थे, आपने ट्रिपल टच राज्य के अंदर हम लगातार कहते रहे, आपने नहीं किया और इसका परिणाम आप देख रहे हैं, क्योंकि आप ईमानदार नहीं है, आप ये काम करना नहीं चाहते हैं, इसीलिए लोगों की भावना को पूरने का और उसकी भावना से खेलना चाहते हैं। अब ये तरीका झारखंड के लोग समझ गए हैं और इसका जवाब रामगढ़ में चुनाव पत्रों के माध्यम से आपको मिलेगा। तैयार है कि नहीं? तैयार है कि नहीं? चुनाव प्रमुख लोग तैयार है ना? 10 परिवार आगे का जिम्मेदारी, विषय बड़ा क्लियर है, कौन क्या बोल रहा है सुनना नहीं, आपका काम 10 परिवार और उस परिवार की सेवा और उस परिवार को आगे लाना। हम पहले भी बोले हैं, पिछले बार 2019 का चुनाव, 2019 का चुनाव नुकसान हुआ था कि नहीं हुआ था कि नहीं हुआ था 2019 का चुनाव कहीं से कहीं दिक्कत किए थे। ये अल्पसंख्यक की बात करते हैं, अल्पसंख्यक को मानसिक रूप से गिरवी बना के रख दिया, इन लोगों ने किया है कि नहीं बताइए, मानसिक रूप से गिरवी बना के रख दिया है, और वही शेड्यूल ट्राइब के लिए भी ये करने जा रहे हैं कि उनको कब वो परिवार नहीं चाहता क्वालिटी लाइफ, हर परिवार चाहे उसी समाज समुदाय से हो, रामगढ़ चितरपुर के लिए हमारा हम लोग समाज परिवार कभी चंद्रप्रकाश चौधरी जी ने नहीं देखा, जिस
परिवार का जरूरत पड़ा चंद्रपुर का चौधरी उसका परिवार और भाई बनकर उसकी सेवा करने का काम किया है। किया है कि नहीं किया है बताइए, जिसने भी कहा है। अब आप ईमानदारी से पहल करने की जरूरत है, हर परिवार ईमानदारी से पहल करे, हर चुल्ला प्रमुख ईमानदारी से पहल करे और तैयारी करिए। अब की बार कितना कितना 12 लाख 1 लाख परिवार तक पहुंचेगा और कितना लाख वोट आएगा टारगेट क्या 1 लाख तो 2014 में लाए थे जी, रिकॉर्ड बना दिया था आपने, लाए थे कि नहीं लाए थे कि नहीं। इस बार कितना अब की बार 1.5 लाख ठीक है हो जाएगा ना दीदी लोग हो जाएगा कि नहीं। मेरी सबसे बड़ी ताकत आप लोग हैं, सबसे बड़ी शक्ति आप लोग हैं और आपके चूल्हा तक का सेवा का संकल्प हम सब लोगों ने लिया है। वो दीदियों के साथ बैठिए, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं। आने वाला 16 दिन का कार्यक्रम नहीं है, 16 दिन कौन क्या करेगा आज शाम तक आपके मोबाइल में मिल जाएगा। 16 दिन आपका कल का काम क्या है, परसों का काम क्या है, उसके बाद का दिन का काम क्या है, ये तैयार हमारा है और ये कार्यक्रम आपको मिल जाएगा। कोई किसी का खेत नहीं ढकेगा, अपना खेत देखना, अपना रिजल्ट देना है। पहले ये दिक्कत होता था कि काम और त्याग आपका, वोट आपका, सभा से किसी और को मिलता था। अब ऐसा होगा नहीं, काम आपका भी आपको मिलेगा, यही तैयारी हमारा है। मेहनत आपका, इनाम भी आपको मिलेगा, ये तैयारी हमारा है। तैयार है ना कॉम्पिटिशन के लिए? कॉम्पिटिशन के लिए तैयार है कि नहीं? मुझे चितरपुर बोल रहे हैं, इस बार देखिएगा चितरपुर से आगे कोई नहीं जाएगा। मुझे प्रभारी कुलमी खड़ा हो जाएगी, कुलमी प्रभारी जी बोल रहे, बार कुलमी को देखिएगा दादा क्या रिकॉर्ड हम लोग करके दिखाएंगे। दुलमी वाला हाथ उठाओ तो, दुलमी वाला हाथ उठाओ, हाथ उठाइए जोरदार से, ठीक है रखिए, कंपटीशन है। चितरपुर हाथ उठाओ, चितरपुर को लोग हाथ उठाओ भाई, ठीक है, यहाँ तो शरीर उठा दे रहा है। बैठिए बैठिए, हाथ उठाओ भाई, बैठिए बैठिए। गोला बोलो हाथ उठाइए, आप ही का बोल बोला, रखिए रखिए रखिए। रामगढ़ ग्रामीण हाथ उठाइए, कामी क्षेत्र लोग हाथ उठाइए, बोले सोनी हाँ बोलिए, ठीक है। अगला क्या है, नगर परिषद हाथ उठाइए भाई, नगर परिषद हाथ उठाइए, इधर है कितना वार्ड है, 14 वार्ड हाथ उठाइए। अब ये कॉम्पिटिशन आपस का, आज चूल्हा पर लोग 10 परिवार का भी एक एक डाटा निकल जाएगा, आपके पास कितना वोट है और उसका रिजल्ट क्या आया। सुनीता देवी जी को ये पता रहेगा किस विधि ने कैसे किस रूप से काम किया और 10 परिवार का पाना क्या है। ये अच्छू पार्टी अपने डिजाइन से वोट से पहले हम लोग अपना वोट गिन सकते हैं कि नहीं, वोट से पहले हम लोग वोट गिन सकते हैं कि नहीं बताइए, कि वोट वहां जाएगा 12,000 चूल्हा प्रमुख 83,000 परिवार का हाल चाल गिनती हाथ में रख देगा, हो सकता है कि नहीं। अब काम क्या है, काम यह है कि एक मिनट के लिए भी अपना क्षेत्र अपना गांव अपना परिवार को नहीं छोड़ना है। समझ गए ना, समझ गए ना क्यों बोल रहे हैं। आएंगे आएंगे ये लोग, अब वोट नहीं मिल सकता है, क्या कर सकते हैं ये लोग, क्या कर सकते हैं केला बगान में, ये केला बगान है कि नहीं, तो केला बगान में इनका काम क्या रह गया, क्या काम रह गया, होने देंगे क्या, होने देंगे, खड़ा होइए सबको, खड़ा होइए सबको। अगले बार करके निकल गए, इस बार कर ले देंगे क्या,
ये कर ले देंगे भाई। ये बेसिकली किसान का क्षेत्र है और केला का आबादी बेहतर करने वाला क्षेत्र है कि नहीं, बेहतर करता है कि नहीं। हर पांच साल में बराबर केला का खेती बढ़िया करते आया है, आया है कि नहीं। बीज का साल में बीज बदल दिया इन लोगों ने, बदला कि नहीं। और कहीं ना कहीं हमारा केला खेत के अंदर में घुसकर केला चोरी किया था कि नहीं किया था? इस बार चोरी होने देंगे दीदी? सचेत रहिए। मैं कायल हूँ रामगढ़ के कार्यकर्ताओं का, मैं दीवाना हूँ आपका कि मैंने पहला दिन जो किया था वो काम आपने पूरा करके दिखाया। मैंने बोला ये चुनाव रामगढ़ का नहीं, मैंने आपसे कहा था कि ये रामगढ़ के चुनाव के माध्यम से पूरे राज्य को नई दिशा देने का काम रामगढ़ करेगा, यह तैयारी करना है। मैंने कहा था ना आपको, ये चुनाव केवल रामगढ़ को एक पुत्री दी सुनीता जी मिल जाएंगी ये नहीं, ये चुनाव के माध्यम से पूरा प्रदेश में एक राजनीतिक बदलाव का एनडीए के पक्ष में माहौल तैयार होगा, उसकी तैयारी करना है। तैयारी करना है कि नहीं? तो घोड़ना टूटेगा क्या हम लोग का? इस बार टूटने देंगे? केला बगान से केला चोरी होगा क्या? एक साथ बोलो भाई, नहीं होने देंगे ना। ये 14 दिन के अंदर हर पंचायत में मैं भी आपके साथ आने वाला हूँ, हर पंचायत जाएंगे, हर परिवार के साथ मिलेंगे, ये भी तैयारी है। दिन रात एक कर देंगे, अपना परिवार का विश्वास फिर अटूट करते हुए उसी तरह से तैयारी करेंगे। तैयार है सभी को? दोनों हाथ उठा के, एक हाथ को हटाना तो दोनों हाथ का पावर लगाना, पावर लगाना है कि नहीं? हाँ भाई, तैयार है कि नहीं? और हम आग्रह करेंगे सामने वाला प्रतिपक्ष से कि अगर राजनेता राजनीति करने पटल पर निकले हैं, कोई भी हो, शब्दकोश पर कुछ अच्छे शब्द रख लिया करो, अच्छा लगेगा। सुनने वाला आपका आदमी भी आपको अच्छा नहीं बोलता है, जिस तरह से शब्द बोलते हैं, जो आपका जिंदाबाद करता है बाद में निकल कर बोलता है, ये बात नहीं बोलना चाहिए। तो राजनीति का कोई बेसिक शिष्टाचार है, इसको भी अनुपालन करें। यही मेरा आग्रह सामने वाले लोगों से होगा कि उसका जरूर अनुपालन करें, तो कम से कम एक सज्जन कहलाएंगे, नहीं तो समाज भी दुर्जन बोल के नाम पुकारेगा। पुकारेगा कि नहीं? बोलेगा कि नहीं? बोलिए। और किसी के ही में नहीं जाना। देखो आप कुछ नहीं बोल रहे, परेशान है, हम लोग छटपटा रहा है, कुछ बोल नहीं रहे, बोला आप लोग बोलेगा ही नहीं, चुप करते रहो, जितना गंदा बोलना ये तुम्हारा जिम्मे छोड़ दिया, सारा रोड चौड़ा है, दुकान तेरा, गांव परिवार और वोट हमारा, यही तैयारी कर रहे हैं। एक बार जिंदाबाद का नारा हर परिवार तक पहुंचा दिया जाए। आज सुपार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं बुलाया 12,000 पहुंच गए 25,000, ये क्या हुआ है? हाँ बताओ, इतना चूल्हा पर अगर आधा रास्ता में रखे हैं। अभी बता रहा था मेरा अधर कि गाड़ी का चेकिंग कर रहा था, दरोगा कर रहा था। हाँ बताओ दरोगा जी, दरोगा जी, दरोगा जी को दरोगा जी रहना चाहिए क्या? दरोगा जी करके काम करिए मेरे जी। ये कभी कभी यहाँ का वीडियो भी पार्टी बनने का कोशिश करता है, सुने पार्टी बनता है ना, वीडियो साहब भी भूल जाते हैं कि हम पार्टी नहीं, हम सरकार का एक सेवक है, वो पार्टी बनने का कोशिश करता है, प्रमोशन अच्छा जगह हो जाएगा बोलते हैं, ना कोशिश करता है। दरोगा को भी लगता है अच्छा खाना मिल जाएगा, थोड़ा वफादारी ईमानदारी करते हैं। ये पद का सफर गरीब के सेवा के लिए किए, आप लोगों के लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने के लिए, एरिया के लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने के लिए किए। समय बदलता है, सरकारी अधिकारियों को सीधा रहना चाहिए, सीधा रहना चाहिए कि नहीं? अच्छा रहेगा उनके लिए भी अच्छा रहेगा। हम लोग ऐसे भी किसी चीज को करते नहीं, हमारा तो केवल पब्लिक के जनता है, और ये 25,000 लोग तैयार है रामगढ़ के नवनिर्माण के लिए। तैयार है ना? हाँ तैयार है ना? जोर से बैठा 25,000 पार्टी जिंदाबाद, परिवार में सुरेश माधव जाएगा, और जिस पर वो लोग बोल रहे हैं, जो दिमागी रूप से गिरवी रखे हैं, सबको छुटकारा कराएंगे। अल्पसंख्यक भी साथ में, अच्छी पार्टी का जैसा पहले था।